ना करेंगे गैस ऑन, ना ही करेंगे तेल का इस्तेमाल। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है नींबू का खट्टा मीठा और चटपटा अचार। सबसे पहले आपका दीपास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा टेस्टी अचार खाने को मिल जाए तो 2 की जगह 3 रोटी खा लेंगे। इतना बढ़िया आज का अचार बनने वाला है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पीले वाले 25 नींबू लिए हैं और हमें अचार के लिए पतले छिलके वाले नींबू यूज करने हैं, जिसमें कि रस की मात्रा अधिक होती है। अब हम नींबू का ऊपर का और नीचे का हिस्सा कट कर देंगे और इसे 8 टुकड़ों में कट करेंगे। आपको नींबू के जैसे पीसेस पसंद है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और हम नींबू के सारे बीज हटा देंगे। अगर हम बीज नहीं हटाएंगे तो हमारा अचार कड़वा हो सकता है। ये नींबू मैंने मेरे मम्मी के घर से लाए हैं। यहाँ मैं सारे नींबू को इसी तरह से कट करूंगी। अब मैं आपको एक नींबू और कट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बिना स्टीम किए हुए नींबू का अचार बनाने वाले हैं। गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 6 टेबलस्पून नमक और लो फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। फिर हम डालेंगे 2 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसे भी अच्छे से नमक के साथ भूनेंगे। हमें ज्यादा इसे भूनना नहीं है, बस मॉइस्चर निकल जाएगा इतना ही भूनना है। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे ऑफ और फिर डाल देंगे 2 टीस्पून हींग। इसे भी हम नमक और हल्दी के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। ऐसा करने से नींबू का अचार कभी खराब नहीं होता है। अब हम इसे अच्छे से ठंडा करके लेंगे। यहाँ मैंने नींबू के पीसेस को डाल दिया है बाउल में। अब हम डालेंगे ठंडा किया हुआ नमक, हल्दी और हींग और अच्छे से नींबू के पीसेस में मिक्स कर देंगे। अभी आपको नमक की मात्रा ज्यादा लग रही होगी, लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज मैं आपको बता रही हूँ। अब हम लेंगे एक कांच का कंटेनर, जिसे मैंने अच्छे से धोकर पोंछकर सुखा लिया है, और डाल देंगे सारे नींबू के पीसेस। फ्रेंड्स, हमें इन्हें 12 दिन तक ऐसे ही रखना है, लेकिन हमें 2-2 दिन के बाद इसे चम्मच से चलाते रहना है। देखिए फ्रेंड, पूरा कंटेनर अच्छे से भर गया है। अब हम इसे ढककर साइड में रख देंगे। फिर मैं 4-5 दिन के बाद आपको दिखाऊंगी। आज का 5वां दिन है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, नमक और हल्दी ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। हमें इसी तरह से इसे बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। देखिए, नींबू क्वांटिटी में पहले से कम हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा इसे दबाकर देखते हैं, लेकिन हमें इसे पूरे 12 दिन के बाद ही निकालना है। तब तक हमारे नींबू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड, आज का 12वां दिन है। आप देख सकते हैं नींबू अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे एक बाउल में। क्वांटिटी में देखिए कितने कम हो गए हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने इजीली छिलका टूट गया है। अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 10 से 15 दाने मेथी के, और लो फ्लेम पर हमें इसे थोड़ा सा भून लेना है। हमें सिर्फ
सुगंध आने तक ही भुनना है। अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर हम डालेंगे 4 टेबलस्पून राई दाल। इसे भी हम गरम होने तक अच्छे से भुनेंगे। राई की दाल भी अच्छे से गरम हो गई है। अब हम इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब सेम गरम कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, लेकिन गैस की फ्लेम को हमने बंद रखा है और गरम कढ़ाई में हम इसे भी थोड़ा सा गरम करके लेंगे। फिर डालेंगे 1 टीस्पून हींग और अच्छे से दोनों चीजों को भून लेंगे। अब इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। यह सारी चीजें अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम लेंगे एक मिक्सी पॉट और उसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा और मेथी दाना और इसे दरदरा पीसेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने दरदरा पीस लिया है। अब हम आधी डालेंगे राई दाल और पल्स मोड पर हमें इसे थोड़ा दरदरा पीस लेना है। हमें इसकी ज्यादा फाइन पाउडर नहीं करनी है। देखिए फ्रेंड, यहाँ सारी चीजें अच्छे से पीस चुकी है। अब हम नींबू में डाल देंगे हमारा पीसा हुआ मसाला। फिर हम डालेंगे जो रखी थी वो राई दाल। अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से सारी चीजों को नींबू के पीसेस में मिला देंगे। फ्रेंड, आप ये नींबू का अचार एक बार जरूर बनाकर देखिए। आपको इतना पसंद आएगा कि हर साल आप इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम लेंगे सेम मिक्सी पॉट और उसमें डाल देंगे 1 कटोरी चीनी। तो चीनी हमें यहाँ बारीक पीसकर लेनी है। देखिए फ्रेंड, हमने चीनी को पीसकर उसकी पाउडर बना ली है। अब हम डाल देंगे हमारे अचार में। चीनी पीसकर डालने से जल्दी से मेल्ट हो जाती है और हमारा अचार इंस्टेंट खाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम चीनी को भी अच्छे से इसमें मिला देंगे। फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करें। यहाँ हमारा अचार अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं अभी से कितना बढ़िया और लाजवाब दिख रहा है। अब हम अचार को ओवरनाइट बाउल में ही रखने वाले हैं, तो हम इसे ढक देंगे और दूसरे दिन इसे खोलेंगे। अब हम दूसरे दिन लेंगे वही कंटेनर जिसमें हमने नींबू के पीसेस रखे थे और भर देंगे हमारा खट्टा मीठा चटपटा नींबू का अचार। फ्रेंड, रेसिपी अच्छी लगने पर लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपी शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निशुल्क है और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रेसिपी अच्छी लगने पर मुझे कमेंट्स कर जरूर बताया करें। अब हम अचार को निकालेंगे नेक्स्ट डे। यहाँ दूसरा दिन हो गया है। अब मैं आपको एक बाउल में अचार निकालकर दिखाती हूँ। देखिए कितना रसीला और कलर में भी कितना सुंदर हो गया है। अब यह अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप भी ये बढ़िया सा अचार बनाइए। मिलते हैं बढ़िया और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।